जब दूर से देखे तो हमको लगा रोड पे कोई गाय भी चल रहा है। जब नज़दीक पहुंचे वहां तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शेर था। जब शेर हमको देखा तो मेरा पूरा रुआ खड़ा हो गया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नया ब्लॉग में। आज का वीडियो यहीं से शुरू होता है। सुबह के अभी 10 बज रहा है तो आज का वीडियो यहीं शुरुआत करते हैं। तो आज संडे से स्टार्ट हो रहा है सुबह। देखते हैं आगे क्या मिलता है, क्या होता है। संडे को तो आप लोग जानते ही, आज विशेष होता है संडे को। संडे को विशेष दिन मनाते हैं। यहीं होटल पर रुकते हैं हम लोग, यही होटल है हम लोग का। तो नहाना धोना हुआ, अभी नहा धोवा का अभी रेडी है अभी। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं आगे, देखते क्या मिलता है। दोस्तों ये देखिए, अभी नहा धोवा का आए हैं। तो आप लोग भी कई बार कमेंट करते हैं कि गाड़ी में अगरबत्ती जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह जहाँ नहा लेते हैं तो वहाँ अगरबत्ती जल जाता है। अब कई बार दोपहर में नहाए, शाम में नहाए तो आदमी खाए पिया रहता तो नहीं जलाते हैं। तो अभी सुबह सुबह अगरबत्ती जला है, नहाए हैं, तब जा रहे हैं भगवान को पूजा करने। दोस्तों आज मेरा संडे मन रहा है, इसका दो कारण हो गया। संडे तो मनता ही है ऐसे भी। आज पत्थर गांव में गाड़ी रोक दिया है। अब किस कारण रोका है, क्या है, पता चला कोई नेता आने वाला है तो उसके चलते हम लोग रोक दिया है। देखिए पूरा लाइन लगा हुआ है गाड़ी का। तो हम लोग सोचे थे पत्थर गांव पार करके पेड़ उड़े उधर रुकेंगे, तो वो हुआ नहीं, तो यहीं हम लोग रुकना पड़ गया। पुलिस वाला गाड़ी रोक दिया है, शायद कोई नेता आने वाला है इसके लेकर के। अभी देखिए हम बना रहे हैं अभी। हमारा ये बनेगा, सारा मटेरियल तैयार है, ये सब्जी इधर है। ठीक है दोस्तों, बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। खाना तो निकल चुका मेरा, जा रहा है खाने के लिए। समस्या ये है कि एक पत्थर गांव में जाम लग गया, तो गाड़ी कहीं और होना था, कहीं और है। अभी उस पार लगाते पेड़ के नीचे तो कुछ और बात था। अब ये कब तक जाम छोड़ेगा, देखते हैं अब कब तक जाम छोड़ता है। थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया ये जाम, कोई नेता आया हुआ है।
चलिए दोस्तों खाना खाने जा रहे हैं। अभी फुर्सत हुआ है, अभी जाम खुल गया है, अब निकल गए हम लोग। हथुआ पार कर रहे हैं, बहुत देर समय तोड़ दिया, इतना समय में हम बहुत आगे निकल गए रहते। क्या करें, नेता जी आए थे तो उनके चलते गाड़ी रोकना पड़ गया। देख रहे हैं 4-5 घंटा बर्बाद हो गया मेरा। अभी यही 4-5 घंटा बचता मेरे पास तो हम अभी बहुत आगे निकल गए रहते। चलिए ठीक है, क्या किया जाए, रोड में हम लोग साथ ऐसा होते रहता है। तो माइंड फ्रेश करें, चाय पिएंगे, अभी चाय पिएंगे, माइंड फ्रेश होगा फिर निकलेंगे। यही हम लोग का रायपुर जाने का रास्ता है। अब क्या करें, रास्ता तो छोटा है लेकिन बन रहा है, अभी टाइम है अभी बनने में, पीछे से बनते हुए आ रहा है। फिर रास्ता बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यही कि हम लोग को थोड़ा इधर खाने के लिए जामुन, आम, ये सब मिल जाता है। देखते हैं हम लोग भी कहीं अच्छा जामुन मिले तोड़ लेंगे। अभी इस बार तो खैर कम हुआ आम ना, आंधी तूफान में तो और भी ख़त्म हो गया। ये देखो आम बेचना शुरू हो गया है। अभी रास्ता में इधर बहुत मिलेगा। अभी रायपुर हम लोग को जाना पड़ेगा सिलतारा। सिलतारा का माल लोड किए हैं तो सिलतारा जानते ही हैं, रायपुर से थोड़ा पहले है, इंडस्ट्री एरिया है। वही बीपी शेड लोड है, गैंगोट प्लांट जाता है। देखते हैं अब सिलतारा कब पहुँचते हैं। यही रास्ता है, ख़राब रास्ता, कब बनेगा पता नहीं। खाली बनेगा बनेगा, लेकिन कब बनेगा पता नहीं। इसी में हम लोग को चलना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसको देखिएगा तो रांची टू बॉम्बे हाईवे रोड यही है। इस टाइप का ख़राब रोड में क्या एवरेज देगा गाड़ी, गियर गियर में चलना है, ख़राब रोड है तो क्या एवरेज निकलेगा। मेन रोड पे चले 4 लाइन में तो 3 तक का एवरेज देगा, ये सब रोड में क्या एवरेज देगा। गियर गियर में चलना है, यहाँ तो 1.5-2 दे दे वही बहुत है। देखिए सामने खाली गाड़ी चल रहा है, उसका चलने में कैसा हालत ख़राब है। पत्थला गाँव पार करके रुके हैं उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ। अभी ये सामने गाड़ी खड़ा है मेरा, तो ये चाय दुकान अभी भी खुला है नया नया, पहले तो था नहीं। पहले यहाँ जंगल में कौन रुकता था, किसको डर था बहुत जंगल में रुकने के लिए, तो नहीं रुकते थे हम लोग। अभी भाई साहब चाय जब दुकान खुल जाएगा, पंप खुल जाएगा तो कहाँ जानवर कहाँ भूत सब भाग जाता है। तो अभी 3-4 दिन हो रहा है इनका दुकान खुला हुआ। अब हम ही लोग गाड़ी वाला का ही भरोसा में खुले हैं ना, यहाँ कौन सा बस्ती है जो आएगा। चलेंगे फिर यहाँ चाय पी करके निकलेंगे। पहले यहाँ पर भालू वगैरह हाथी वगैरह आता था, लोग डर से नहीं रुकता था, अब तो कोई जगह डर नहीं है। लाइट वगैरह जलता है, रात में पंप है। ऐसे एक भाई हमको बोले थे कि कभी जंगल में शेर मिला है कि नहीं, तो शेर हमको मिला है। अब वो रायगढ़ और घरघोड़ा के बीच में, तो रायगढ़ और घरघोड़ा के बीच में हमको शेर मिला है। रात को 1:30-2 बजे एक बंजारी मंदिर है वहीं पे, मतलब देख करके तो हमको समझ में नहीं आया कि वही है शेर है, लेकिन गाय भी सोचे थे होगा, लेकिन गाय नहीं था। तो वो साला जब नज़दीक गया तो देखते हैं शेर है बड़ा सा, फिर वो साइड हो गया, फिर हम निकल गए रोड से। अपना दूर से देखे तो हमको लगा रोड पर कोई गाय भी चल रहा है, जब नज़दीक पहुँचे वहाँ तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शेर था, तो डर तो गए थे हम भी। जब वो शेर साइड हुआ तब निकले वहाँ से, तो जब साइड से देखे तो जब शेर हमको देखा तो मेरा पूरा रुआ खड़ा हो गया था देख करके कि बाप रे तो बहुत बड़ा शेर है। तो फिर वहाँ से वही शेर मिला, भालू तो मिलते ही रहता है, भालू हाथी ये सब तो मिलते ही रहता है, तो वही शेर हमको वहीं मिला था। आगे होटल में जाकर बोले कि भाई वहाँ शेर है, तो बोला हाँ वो पुलिया को उधर ही रहता है, मंदिर में चाय पीने रोके थे तो बोला सब कि नहीं मंदिर को उधर ही रहता है, इधर नहीं आता है वो। मैं चलो भाई बहुत अच्छा बात है। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं यहाँ, पानी में भर लिए।
निकलते हैं आगे, घाट है, घाट ढूंढते हैं। घाट को दिन में ही ढूंढना जरूरी है ना, अंधेरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो जा रहे अभी घाट ढूंढते हैं, धरमजयगढ़ आने वाला है आगे। यही है धरमजयगढ़ घाटी, अभी स्टार्ट होने वाला है। तो पहले हम लोग शाम को 6-7 बजे चल नहीं पाते थे क्योंकि बहुत डर था, माल भी कटता था और अगर रास्ता में आपका कुछ गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, रोड भी उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो अगर रास्ता में ब्रेक डाउन भी हो जाता है तो आपके साथ रात में कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाना है। तो हम लोग शाम को 6 बजे के बाद नहीं चलते थे। तो अभी थोड़ा रोड ठीक है तो हम लोग चल रहे हैं और अभी पहले से बेहतर है, पहले से बहुत अच्छा हो गया अभी। तो अभी भी जिसका महंगा माल होता है वो रात में नहीं चलता है क्योंकि यहाँ माल कटते रहता है। तो अभी अभी देखिएगा धरमजयगढ़ घाटी आने वाला है, जंगल है, भालू वगैरह हाथी वगैरह रात में मिलते रहता है। बहुत जगह बोर्ड मिलता है कि रात में यहाँ हाथी मिलता है, सही बात है, रोड क्रॉस करता है पानी पीने के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पर भालू हाथी ये सब मिलते रहता है रात में। यही है कि यही धरमजयगढ़ घाटी है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है, पहले से रोड के कारण, रोड अच्छा हुआ तो लोग हिम्मत करके चल रहा है। और पहले रोड बहुत ख़राब था, गड्ढा गुड्ढी था तो नहीं चलता था आदमी। इतना टाइम हुआ तो पथलगांव, इधर से आने वाला गाड़ी पथलगांव में रुक जाता था, इधर से जो गाड़ी है धरमजयगढ़ में रुक जाता था। तो अभी यहाँ दिखा रहे हैं आपको हम घाटी, उधर से आने में चढ़ाई है, इधर से जाने में तो अभी डाउन पड़ेगा, लेकिन उधर से आने में चढ़ाई है। मेरा भी माल कटा है, मेरा चावल कटा है, दाल कटा है। जब सुबह होता था उधर तो देखते थे कि तिरपाल फाड़ा हुआ है चाकू मार के और बोरा गायब है, 2-3 बोरा निकाल लिया, कभी देखे चावल का निकाल लिया, तो हो जाता था वैसा। इसलिए हम लोग पहले चलते थे वैसा कीमती माल, और 2-3 गाड़ी इकट्ठा रहे तो खलासी लोग केबिन में बिठा देते थे, सबसे पीछे वाला गाड़ी पे, सबसे पीछे वाला गाड़ी में बोलते जावा वो केबिन में बैठो और टॉर्च लेके और डंटा राड उड लेके बैठता था। अगर 2-3 गाड़ी इकट्ठे हैं तब, और नहीं तो अकेले में तो नहीं चलते थे, क्योंकि कंडक्टर भी डरेगा कि भाई हम अकेले कैसे बैठेंगे ऊपर। तो ऐसा होता है, कई बार सुनने को मिला है। अब ये कहानी है कि सच्चा ये हम ही नहीं बता सकते हैं। बोला था कि एक कंडक्टर को भेजा ऊपर देखने के लिए, वो सो गया था, और जब ऊपर चोर चढ़ा उसको देखा तो उसको उठा कर फेंक दिया। तो बाद में कोई बोला अरे तेरा खलासी उधर फेंक उधर गिरा हुआ है। अब ये कहानी की सच्चाई हम ही नहीं बता सकते हैं, हम अपना आँख से देखें नहीं तो हम नहीं बता सकते भाई। जिस चीज़ को हम देखते हैं 100% श्योर होता है उसके विषय में बात करते हैं। तो लोग बोलता था कि एक कंडक्टर को भेजा ऊपर में कि जाओ जाकर बैठे रहना, अब वो जाकर सो गया। अब सो गया तो उसको चोर लोग चढ़ा, देखा खलासी है, उठाकर फेंक दिया उसको। तो धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़ में एक यही थोड़ा डेंजर था, लेकिन अब पहले से कुछ सुधार है, अभी वैसा नहीं रहा। तो हम दिखाते हैं धरमजयगढ़ घाटी, ये देखिए पूरा जंगली है, ये देखिए ये सब जो जंगल है देख रहे हैं ना, ये सब जंगल में रात में कभी हाथी वगैरह निकल जाता है, कभी भालू वगैरह आ जाता है। इस जंगल में तो शेर हमको नहीं मिला है, वो घरघोड़ा वाला में, घरघोड़ा रायगढ़ के बीच में जो बंजारी मंदिर है गेरवानी के पास, वहाँ हमको शेर मिला है। यही देखिए पूरा जंगली जंगल है, पहले यही सब रोड पूरा गड्ढा गुड्ढी था, टूटा हुआ था, थोड़ा रास्ता बनाया है, चल रहे हम लोग। पूरा जंगल में एक यही बीच बीच में जगह था जो यहाँ आके बाद आदमी रुक करके थोड़ा टायर वूर चेक करता था अपना, फिर यहीं से आगे बढ़ता था लोग। यही सब चढ़ाई था उधर से आने में, जो यही सब चढ़ाई में चोर चढ़ जाता था पीछे से तो माल काट लेता था। पहले 6-चक्का गाड़ी ये स्टैंडिंग पे चढ़ता नहीं था, आगे पीछे पत्थर उत्थर देख कर चढ़ाना पड़ता था। अभी तो गाड़ी एक से एक बड़ा बड़ा गाड़ी हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले थोड़ा परेशानी था इस टर्निंग में कि टर्निंग में हमेशा जाम भी लगता था, पता चला कोई गाड़ी चढ़ नहीं रहा जाम लगा हुआ है। तो अभी तो थोड़ा चौड़ा कर दिया है तो साइड से अगर एक गाड़ी खड़ा भी हो जाए तो साइड से निकल जाता है गाड़ी। अच्छे चक्का और 10-चक्का 12-चक्का में फ़र्क ये है कि 6-चक्का गाड़ी झुकता बहुत था क्योंकि एक गड्ढा मिला तो एक ही टायर उसमें गिरा, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा झुकता था।
वो पलट भी सकता था, और ये अभी जो आ गया एक गड्ढा में गिरा तो एक टायर उठा हुआ ऊपर, तो गाड़ी उतना टेढ़ा नहीं होता है, अब गाड़ी उतना नहीं होता है पलटी वगैरह, क्योंकि एक चक्कर टायर में एक गड्ढा में गिरा तो दूसरा तो ऊपर है, उसके ऊपर वजन आ जाता है। तो छः चक्का गाड़ी पहले गड्ढा गुड्ढी में उतारते नहीं थे हम लोग, अभी क्या है कि फ़र्क नहीं पड़ता, एक गिरा तो दूसरा तो ऊपर है, गाड़ी भी उतना झुकता नहीं है, करवट नहीं लेता है। ये सब देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, इसलिए हम लोग चलते नहीं थे यहाँ। यही रायपुर से आने के बाद यही एक जंगल पड़ता है हम लोग को, घाटी वाला और लोरो घाट है, तो ये थोड़ा लंबा है, लोरो घाट छोटा है, लोरो घाट थोड़ा चढ़ाई है इस पर, कि ये लंबा है लेकिन इस पर चढ़ाई वैसा नहीं है, वही एक टर्निंग चढ़ाई जो वही है। ये सब जगह जब पार हो जाता था तो हम लोग टेंशन से मुक्त हो जाते थे, कई बार हम लोग को एक घंटा का रास्ता में दो दो दिन लग जाता था। जाम लगा हुआ है तो चलो भाई रुक गए हम लोग, अभी वहाँ चल के यहाँ रुके हैं, अभी टायर थोड़ा गर्म हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी देखते हैं कहाँ तक सफ़र काट सकते हैं रात में। तो दोस्तों अभी गर्मी बहुत चल है तो टायर भी गर्म हो जा रहा है, इंसान भी गर्म हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, गुड नाइट, मिलते हैं कल।